हेलो दोस्तों, एक कहावत है जो हर किसी ने अपने मनुष्य काल में एक ना एक बार तो जरूर सुनी होगी। और वो कहावत ये है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बस उसी कहावत से प्रेरित होकर मैं आपके सामने लाया हूं कुछ अनोखे फल। पहला फल है सत्सुमा। सत्सुमा संतरा, और ये चीन की धरती पर पाया जाने वाला सबसे मीठा संतरा माना जाता है। और ये संतरा ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये संतरा बस एक बार में आप और दूसरा है मैंगो स्टीम। इसे छील के नहीं रखा क्योंकि ये 80 रुपए का एक पड़ा, काफी महंगा फल है। एक बार खोल के दिखाता हूं। और ये रहा मैंगो स्टीम अंदर से। इसके अंदर एक बीज है। काफी स्वादिष्ट, काफी स्वादिष्ट। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो यह है एक नया स्टार्टअप आइडिया, एक ऐप का, जो ऐप बेवड़े लोगों को ड्राइवर ढूंढने में मदद करेगी। तो अगर कोई ज्यादा पी लेता है तो वो ऐप खोल के अपना ड्राइवर ऑर्डर कर सकता है, और ड्राइवर के पास इस तरह की एक छोटी सी फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक होगी जो वो डिक्की के अंदर डाल सकता है, और वो उस बेवड़े को उसके घर तक पहुंचा देगा। तो ड्रंक एंड ड्राइव उसे नहीं करना पड़ेगा, और एक्सीडेंट के खतरे कम से कम, और बिजनेस ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल सेगमेंट। जैसे सभी को पता है कि वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है और वैलेंटाइंस डे नजदीक आ चुका है, तो सब अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। Spicy meat. Yeah, boy. कोई टेडी देकर बेबी बनाना चाहता है और कोई रोज देकर रोज लेना चाहता है। 1 मिनट। हाँ, तो बस इसी बीच मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ ऐसे वीडियोस जिसे देखकर आपकी स्कूल और कॉलेज की यादें हो जाएगी ताज़ा। पता चलेगी इम्प्रेस करने की कुछ नई ट्रिक्स, और अगर कुछ ना भी हो तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तो आ ही जाएगी। चलो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ए, तूने बाल क्यों कटाई? तू बाल क्यों कटाई? तेरे को पता है कि मैंने बाल क्यों कटाई? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है तुझे छोटे बालों वाले पसंद है। वाह, हाँ झाड़ू, ये झाड़ू, झाड़ू का सीन पता है कि क्या है? ये चाइना और जापान में अपनी क्लासरूम खुद साफ करना पड़ता सब सबको मिलके, तो उनके हर क्लास में कम से कम 4 से 5 झाड़ू रहते ही है। ये मैं खुद जाकर देखा हूं, मैं पढ़ाता था, मैं वहां गया, मैंने देखा कि हर क्लास में कम 4-5 झाड़ू रहते हैं और वो कचरा नहीं करते। बारिश से फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना प्यार में मगन। पूरा दे देना उसको। अरे मैं खेलता
करता था यार ऐसा, मैं उसके पीछे बैठता था और मैं उसके बालों से ऐसा खेलता रहता था, मेरे को ऐसा मजा आता था। ओए ऐसी गर्लफ्रेंड मिली तो बस, और क्या चाहिए। आंखें आंखें देखो उसकी आंखें, अबे ऐसा मुद्दा मारेगी ना वो, देखो। बाप रे, मैंने ऐसा बहुत किया, बहुत। इतुसा दे दे ब्रो, इतुसा। क्या हरामी, कितना हरामी। ये वही झाड़ू वाला सीन, खुद साफ करो। भारत में होना चाहिए, सीधी सी बात है, भारत के बहुत माच चुके हैं लौंडे। खोल के देना यार। कुछ चीजें होती है जिसमें भाषा की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। कितना बुरा हुआ इस लौंडे के साथ। तकिया बना के दिया। ये इतनी कला नहीं है। समझा समझा, उसने ऐसा हाथ रखा ताकि ना कोंटा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कोंटा लगता है ना इधर। प्यार तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का सेगमेंट। और एक जरूरी, बहुत ही जरूरी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अपनी माँ के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात मत करो, क्योंकि माँ को सब पता होता है। माँ को पता होता है कि दोस्त से बात करना, दोस्त से बात करके हंसना और गर्लफ्रेंड से बात करके ब्लश करना क्या होता है। जब लौंडियों से बात करते हो तुम, लौंडों से बात करते हो ना। माँ को सब समझता है। माँ के सामने लड़कियों से बात थोड़ा कम किया करो या मत किया करो फोन पे। अच्छा तो मिलते हैं अगली बार। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नया नया चैनल है, नए नए व्यूज चाहिए, आगे बढ़ना है। और इसी तरह के वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि रोज लाता रहूं। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।